कुछ भी नहीं बचा है कहने सुनने को। अरे तुम्हारी बहन ऐसा कर कैसे सकती है, ये जानते हुए भी कि धर्मेश उसका बहन हुई है, सबके सामने हाथ उठा दिया उस पर। इसका तो मतलब यही निकलता है कि उसकी नजरों में हमारी या हमारे रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है। अगर उसे धर्मेश के किसी फैसले पर प्रॉब्लम थी तो उसके साथ बैठ के बात कर सकती थी, बोलचाल हो सकती, अनबन हो सकती, मैं मानती हूँ, लेकिन सीधा हाथ उठाने, किसने दिया उसे ये अधिकार? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सुलोचना ताई के संस्कारों में पली बड़ी लड़की है। अर्चना के बारे में हमारी हमेशा ही अच्छी राय रही, लेकिन वो समझदार और अच्छी लड़की है, पर वो इस हद तक गिर जाएगी ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था। और फिर इस तरह, अरे आखिर धर्मेश ने किया क्या है? कोई भी आदमी दूध का धुला हुआ नहीं रहता है दुनिया में। धर्मेश ने एक डिक्लेरेशन साइन किया, वो भी अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, इसमें कौन सा पार्ट टूट गया? देखो वैशाली, आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हम तुम्हारे उस परिवार से रिश्ता रखना नहीं चाहेंगे, खास करके तब तक जब तक अर्चना आकर सबके सामने धर्मेश से माफी ना मांगे। अब इस मामले में तुम्हें क्या करना है ये तुम ही तय करो। हम तुमसे किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ भी तय करने से पहले इतना जरूर सोचना कि तुम अब उस घर की बेटी कम और इस घर की बहुत ज्यादा हो। बाबा आई। अरे अजीत आई वो बाबा मैं क्या क्या हुआ अजीत? अजीत अजीत बेटा बोल ना क्या हुआ? अरे तू परेशान क्यों लग रहा है? अरे बेटा बोल ना। अरे वो अजीत बोल ना बेटा। मानव के खिलाफ साजिश की गई है। कुछ नहीं होने वाला। हमें अपनी तरफ से मानो को छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। अब अगर और वक्त जाया होता है तो मानव की मुश्किल और बढ़ जाएगी, क्योंकि धर्मेश और जयवंत अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा देंगे उसे फंसा नहीं। भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं आज ही किसी अच्छे वकील से बात करता हूँ। क्या हो रहा है पापा? तेरे मन में क्या है? ये तेरी कैसे लीला है पापा? विनोद, अब अपने आप को तकलीफ देने से क्या होगा? हम लोग लाख सर पटक लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो गलती कर रही है ना वो तो समझने का नाम ही नहीं ले रही है। सच कह रही हो मंजू,
अर्जुन ने सचमुच अपनी सारी हदें पार कर दी है। अरे इतनी बड़ी गलती, मैंने अर्जुन से कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। फिनो, अर्जुन समझ ही नहीं रही है कि उसकी एक हरकत हम सबको कितनी बड़ी परेशानी में डाल देगी। भाई बाबा ने हमेशा अपना हर रिश्ता बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाया है, और आज अर्जुन की वजह से यह हाल है कि वो अपने समधियों के सामने आंख उठाकर बात करने के लायक नहीं रहे। हद कर दी अर्जुन ने। हर एक ऐसा रिश्ता जो इतने दिनों पहले टूट चुका है, उसकी खातिर उसने अपने सारे रिश्तेदारों पर लगा दी, उन्हें तोड़ने पर तुली हुई। आज तक तो अर्जुन सिर्फ अपनी जिंदगी की दुश्मन बनी हुई थी, लेकिन अब तो वो वर्षा और वैशाली के भविष्य की भी दुश्मन बन गई है। विनोद, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। नहीं मंजू, अब मैं अर्जुन की मनमानी नहीं चलने दूंगा। अर्जुन को अपनी गलती माननी होगी और अपनी उस गलती के लिए हाथ जोड़कर माफी भी मांगनी होगी। सिर्फ अपने आप को बचाया, जिसे तुम पवित्र रिश्ता कहती हो ना, वो जमाने की नजरों में बदनाम रिश्ता है। पागल हो गई है तू, अंधी हो गई है मानव के प्यार में। कौन अपना कौन पराया, क्या सही क्या गलत, तुझे कोई होश ही नहीं रहा। पापा, मैं नहीं समझ पा रही कि मैं कहां गलत हूं। मानव मेरा प्यार है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि वो एक सच्चे इंसान है, और मैं सच्चाई के साथ खड़ी होना चाहती हूं। तो क्या ही गलत है? अगर नहीं है तो आज सब क्यों मेरे खिलाफ खड़े हुए? क्यों मुझे मुजरिम बनाकर कटहरे में खड़ा किया जा रहा है? पापा, अब मेरा फैसला आप ही को करना है, और आप ही को मुझे रास्ता दिखाना है। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, इंसान को हमेशा सत्य और धर्म का साथ देना चाहिए। झूठ का साथ देने वाले 100 अपने और सत्य का साथ देने वाला एक पराया, इनमें से अगर आपको चुनाव करना हो तो आप उस पराये एक का चुनाव करो जो सत्य और धर्म के साथ खड़ा है। जिंदगी की कोई भी लड़ाई में सत्य का साथ देने वाले की जीत निश्चित है, समझी?